हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान किचन में। सुबह सुबह कुछ कम तेल का और हेल्दी खाना चाहते हैं तो ऐसे ही आज मैं आपके लिए इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और एकदम कम सामान में हम इसे बनाकर तैयार करते हैं। आप इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मिक्सी का जार। अब इसमें मैं डाल दूंगी दो हरी मिर्च, जिसको मैंने दो टुकड़ों में काट लिया है। और अब इसमें डालेंगे एक प्याज, जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और अब इसमें दो से तीन लहसुन की कलियां डाल दूंगी। अगर आपको लहसुन पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसमें मैं आधा गाजर डाल रही हूँ, जिसको भी मैंने थोड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और इसमें रफली कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसमें मैं हरा धनिया डालकर और इसको हम पीस लेंगे। यहाँ पर हमें सारी चीजों को दरदरा पीस कर तैयार कर लेना है, ज्यादा हमें पेस्ट नहीं बनाना है इनका। ये देखिए, मैंने सारी सब्जियों को एकदम दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको मैंने ठंडा करके और छील लिया था और अच्छे से मैश करके ले लिया है। आप इनको कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, बस इनमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें जो हमने सब्जियों का मिक्स बना के तैयार किया था वो इसमें हम डाल देंगे। आप यहाँ पर पालक, पत्ता गोभी या फिर कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम सारी सब्जियों को और आलू के साथ तो मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से आलू के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम लेंगे 1 कप सूजी। यहाँ पर हम बारीक वाली सूजी ले रहे हैं। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो उसको एक बार मिक्सर में चलाकर और फिर इसमें ऐड कर सकते हैं आप। और अच्छे से हम सूजी को इसके अंदर मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को सूजी की जगह पर आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन सूजी से इस रेसिपी में जो क्रंचीपन है वो ज्यादा आता है और एकदम क्रिस्पी बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पर सूजी का यूज किया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और आपको पता ही है कि जो सूजी है पानी ज्यादा पीती है, इसलिए आपको इसमें हिसाब से ही पानी ऐड करना है। ये देखिए, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और आप जानते ही हैं कि सूजी जो है फूलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इसको हम कवर कर देते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। ये देखिए, इसको 5 मिनट हो गए हैं और ये काफी अच्छे से सूजी फूल गई है, ऊपर से पानी भी आने लग गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है हमें और एकदम परफेक्ट घोल तैयार करना है इसका हमें। ना ही इसमें हमने दही ऐड करनी है और ना ही सोडा ऐड करना है, ऐसे ही ये काफी टेस्टी बनके तैयार होता है नाश्ता। यहाँ पर मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं या फिर तवा ले सकते हैं। और तेल से हम इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे पहले। अब हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस पे ऐसे फैला देना है हमें, रोटी की तरह बिल्कुल हमें इसको फैला देना है। अगर आप इसको थोड़ा जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसको ढककर 1 मिनट के लिए पका लें। पकने के बाद इसका कलर देखिए ऊपर से चेंज हो गया है और ये काफी ड्राई भी हो गया है। अब इसको हमें पलट देना है। ये देखिए, अब इसको दूसरी तरफ से भी हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। अगर आप तेल को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप बिना तेल के भी ये नाश्ता बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। ये देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है दोनों तरफ से। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए, हमने सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने ज्यादा अच्छे से ये बनकर तैयार हुआ है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। मैं यहाँ पर इनको टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा ये रेसिपी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स।